हेलो दोस्तों, मैं उमेश। आज यह वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि तालाब कैसे बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तालाब उस जगह पर बनवाएं जहां पर पानी के स्रोत हैं, जैसे कि जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, मतलब आसपास से गुजरते हों, जिनसे पानी जो है आपके जो ज़मीन है उस तरफ से ही आए। जब भी आपका तालाब बनकर कंप्लीट हो जाए तो उसमें पानी आए उस जगह पर ही बनवाना चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे ज़मीन का चुनाव कर लें, फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जैसा कि ये तालाब बना है, गहराई का विशेष ध्यान रखें। गहराई कम से कम 10-15 फीट होने चाहिए। देख लीजिए, 10-15 फीट है, 10 से 15 फीट है इसकी गहराई। और लंबाई आप अपने ज़मीन के हिसाब से, मतलब जिस जगह पर बनवा रहे हो, खुद की ज़मीन है उसके हिसाब से ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। ये देख रहे होंगे कि आप इस वीडियो में कि ये लंबाई और चौड़ाई है इसकी, लंबाई और चौड़ाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कि आपका तालाब बनकर बड़ा बनकर तैयार हो। ये देख ले सकते हैं जैसा ये तालाब बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप जिस जगह पर बनवा रहे हैं उस जगह की मिट्टी लाल है, काली है या हल्की काली है तो बहुत बढ़िया है। ऐसी ही जगह का चुनाव करके बनवाएं। ऐसी जगह या ज़मीन का चुनाव ना करें जहां पर पानी ना टिक पाए, मतलब पानी जल्दी से ही सूख जाए। जैसे कि ये जहां पर तालाब बना है ये हल्की काली मिट्टी है, इसलिए यहां पर पानी टिक जाता है, इसलिए यहां पर पानी ज़्यादा टिकने की संभावना है। अगर आप तालाब बनवाते हैं इसके बावजूद भी पानी नहीं रहता है तो आप ट्यूबवेल की व्यवस्था कराएं या फिर पंप का व्यवस्था कराएं, जिससे कि और जल्दी से पानी भरने की संभावना बढ़ जाए। तो आप तालाब बनवाने के बाद पानी भर जाए तो फिर तालाब बनवाने के कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र का पानी लेवल ऊपर, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, खेती के लिए भी पानी काम आ जाएगा, और साथ ही साथ मछली पालन के लिए और भी कई लाभ होते हैं तालाब बनवाने के। अगर आप तालाब बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बनवाइए, लेकिन ऐसा ही बनवाइए जैसा कि ये तालाब बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही तालाब बनवाइए। आई होप यू गाइस वेरी एंजॉइंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।